मुरैना जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के अवैध खनन माफिया राघवेंद्र कुशवाहा उर्फ बड़े, जो कि अपने जेसीबी से मिट्टी का अवैध उत्खनन विगत सोमवार को कर रहा था, तभी रामपुर कला थाना प्रभारी के द्वारा मिट्टी का अवैध उत्खनन करने से रोक दिया गया, जिस पर रामपुर थाना प्रभारी राहुल उपाध्याय एवं माफिया राघवेंद्र कुशवाहा उर्फ बड़े से अवैध उत्खनन के लिए 10,000 की बात हुई, जिसका ऑडियो उत्खनन माफिया के द्वारा टैग कर लिया गया था और ग्वालियर विजिलेंस ऑफिस में जाकर एक शिकायत की गई, जिस पर आज लोकायुक्त टीम रामपुर कला थाना पहुंची और 10,000 में पाउडर लगाकर माफिया राघवेंद्र कुशवाहा उर्फ बड़े को दिए, जिस पर माफिया के द्वारा उक्त थाना प्रभारी को 10,000 दिए। जैसे ही लोकायुक्त टीम ने रामपुर कला थाना प्रभारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, लोकायुक्त टीम लगभग 5 बजे के समय रामपुर कला पहुंची और कार्रवाई की। राघवेंद्र कुशवाहा निवासी जारोली, इन्होंने लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में आके शिकायत की थी कि रामपुर थाने के थानेदार राहुल कुशवाहा, उनसे उनकी जेसीबी और ट्रैक्टर, जिससे वो मिट्टी खोदते हैं और डालते हैं, उसको चलाने के लिए 10,000 रुपये मांग कर रहे हैं। उस पैसे आज उनको 10,000 रुपये लेके राघवेंद्र कुशवाहा इनको देने के लिए आए थे। ट्रैप आयोजित किया गया था, तो जिसमें उनको 10,000 रुपये थाना प्रभारी राहुल कुशवाहा से बरामद किए गए हैं, राहुल उपाध्याय सॉरी से बरामद हुए हैं और कार्यवाही अभी हमारी चल रही है। कोई माफिया है या नहीं है, इस बात का देखने का काम हमारा इस बात को लेकर खत्म नहीं हो जाता कि कोई लोक सेवक उससे भ्रष्टाचार के रूप में किसी रिश्वत राशि की मांग करे, इसलिए ये ट्रैप आए। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।